हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विद सिंपल लाइफ। यस, और ये मैंने हाथ में पपाया इसलिए ले रखा है क्योंकि अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, और मैं सोच रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में सिंपल केवल हम लोग यहाँ पर फ्रूट ले ले। तो बस मैं जा रही हूँ पपीते को छोटा छोटा कट करूँगी, और उसके बाद इसमें छोटे कट करके फिर मैं उस पर डाल दूँगी चाट मसाला और काला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। तो बस उसको कट करके उसमें जस्ट उसमें स्प्रिंकल कर दूँगी, ये जो मैंने बताया है आपको। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं वरना फिर लेट हो जाएगा। पर मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मॉर्निंग टी हमारी हो चुकी है और बस अब फटाफट से पपाया कट करेंगे। पता है मुझे क्या लगा था कि जैसे मैं पपाया कट करूंगी इसमें मतलब इसके जो सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, वो पूरे बिखर जाएंगे, और जब मैंने देखा अरे ये तो खाली निकला, तो मुझे बड़ा अजीब से लगा। फिर मैं पता इनको दिखाने भी गई थी, मैंने कहा अरे देखो इसमें बीज ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अच्छी बात है वैसे ये, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फिर यहाँ फैलावा हो जाता। तो बस अब इसके फटाफट क्यूब काट लेंगे और उसके बाद फिर अपनी प्लेट लगा लेंगे ब्रेकफास्ट की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइस में काट लिया है, अब मैं छोटे छोटे इसकी क्यूब काटूंगी। सो ये देखिए यहाँ पर मैंने दो प्लेट लगा ली है, और बच्चे भी हमारे साथ ही ले लेंगे, बट क्या है कि बच्चे वैसे बनाना वाना बनाना वगैरह ले चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैं क्या डाल रही हूँ, तो यस यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ चाट मसाला, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा चाट मसाले से। अब ये मैं डाल रही हूँ उसमें ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, और अब मैं जो ये पिंच पे मैंने लिया है तो ये मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। तो बस रेडी हो चुकी है हमारी प्लेट, अब मैं इस पे लगाऊंगी स्टिक और बस एंजॉय करेंगे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। सो आज यही हमारा ब्रेकफास्ट था, और मिलती हूँ आपसे फिर ब्रेकफास्ट के बाद। ओहो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? अच्छा नंदिता कुछ बोलेंगी, बोलो 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 ना, अब नहीं बोलोगे? अच्छा सो कैसे हैं आप सभी? आई होप बोलो। जब मैं बोलने जा रही हूँ तो पता क्या कह रही, मैं बोलता हूँ अपने दादा के संग रहती है तो ऐसे ही बोलती, मैं बोलता हूँ तो बोलो ना, आप बोलो फिर। तो चलो जब मम्मा बोलेगी तो आप फिर, अभी आप नहीं बोलोगे ठीक है, मम्मा बोलेगी। लो बोलो फिर, बोलो। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बोलो नहीं बोलना, तो फिर क्यों बोल रही थी, बोलना है बोलना। सो अभी नंदिता ने बोला कि मुझे बोलना है तो बोल भी नहीं रही है कुछ। अरे नंदिता गिरी गिरी गिरी, नंदिता गिरी, बच गई। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका था और अभी हम लंच की तैयारी करेंगे। और क्या हुआ क्या हुआ? और अभी नंदिता बात नहीं करने दे रही है, तो थोड़ी देर से मिलते हैं फिर। ये इन्होंने इंट्रो में इन्होंने बोला कि ये इंट्रो करेंगे ठीक है, और इन्होंने इंट्रो में आपकी क्लिप लगी हुई है, इन्होंने मेरी क्लिप देख के सोचा कि मैंने इनकी क्लिप ले ली, मैंने आपकी क्लिप नहीं ली। तो फिर आप नहीं बोलोगे? हाँ सो भी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और अभी करनी है लंच की तैयारी। तो आज लंच तो आज लंच आज लंच में अरे नंदिता एक मिनट चुप। आज लंच में मैं बनाऊंगी
मशरूम पनीर की सब्जी नंदिता गुस्सा हो गई है, मुझे नहीं करनी बात करके चली गई। इधर आओ चा। क्यों? तो आज हम लंच में बनाएंगे बड़ी ही टेस्टी अच्छी सी सब्जी, और बनाएंगे मशरूम मशरूम एंड क्या हुआ? तो ठीक है मत करो बात। ओहो गुस्से में अपना मुंह उड़ के मतलब मुंह में ऐसे ब्लैंकेट डाल के सो गई है। तो आज हम बनाएंगे लंच में मशरूम पनीर की सब्जी। और अभी काफी टाइम के बाद मैं मशरूम मतलब लंच में ले रही हूँ काफी टाइम के बाद, और पता नहीं इतने दिनों से क्यों मशरूम नहीं आ रहा था मेरे घर में, मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे मशरूम की सब्जी बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ मशरूम के साथ मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है। बट अभी मे भी शायद सर्दियों के टाइम पे ब्रोकली हमारे यहाँ बहुत आती है, और अब आ गया है सीजन, सर्दियों का सीजन आने वाला है और सब्जियाँ अब बड़ी अच्छी अच्छी खाने को मिलेंगी। और अभी गर्मियों में के दिनों में सब्जियाँ इतनी अच्छी नहीं आती हैं, वही लौकी भिंडी कद्दू और तरोई, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं आता है। बट अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है तो भाई सब्जियों की वैरायटीज बनेगी और एक से एक सब्जियां आएंगी। तो चलिए फिर अभी लंच की तैयारी कर लेते फटाफट। अब टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:15, और आज की डेट मुझे पता नहीं है डेट क्या है आज। आई थिंक हाँ इतना तो मुझे पता है कि आज मंडे है। एक मिनट पता करके बताती हूँ आज डेट कितनी है। यस सो मैंने पता कर लिया है, डेट हो रही है आज 5 अक्टूबर है आज, और डे है मंडे। आज मंडे है ना, और आज है मंडे। तो बस अभी बनाते हैं लंच अपना, और बस फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आई थिंक आपको मैं मिलूंगी अब किचन में। और मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में थोड़ी देर पहले मैं किचन में आई थी, और आते ही मैंने क्या करी दाल चढ़ा दी, उधर साइड में दाल चढ़ी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और अब जा रही हूँ चॉपिंग वगैरह कर लूँ सब्जी की, जो मुझे सब्जी तैयार करनी है लंच के लिए। तो चलिए पहले देख लीजिए दाल उधर चढ़ी, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दाल चढ़ी है, मैं चढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ दाल मैंने बनाई है तूर दाल चढ़ाई है। तो बस अभी फटाफट चॉपिंग कर लेते हैं सब्जी वगैरह की, फिर आपसे मिलते हैं। आप जैसे कभी मशरूम बनाना चाहें तो या तो आप मशरूम पे गरम पानी ऐड कर दीजिए, गरम एकदम बॉयल पानी मशरूम पे डाल दीजिए, या फिर मशरूम को गरम बॉयल कर लीजिए, तो आप इस तरह से जरूर बनाइए, क्यों मशरूम बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लूंगी कि मशरूम को मैं थोड़ा बॉयल कर लूंगी, उसके बाद ही अपनी मशरूम पनीर की सब्जी बनाना स्टार्ट करूंगी। सो ये है मशरूम में मैंने पानी डाल लिए हैं, और अब मैं इसको गैस पे रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। मशरूम को बॉयल होने के लिए गैस पे रख दिया है, अभी ये गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसको रख। आप चाहे तो पनीर को स्लाइस में भी काट सकते हैं, और चाहे तो आप पनीर को क्यूब में भी काट सकते हैं, तो आप डिपेंड है आप पर, ये आप कैसे काटेंगे। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं इस तरह से काटूँ, मशरूम पनीर बनाने के लिए मुझे जो चाहिए वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। मैंने यहाँ पे लिए 3 प्याज और 2 टमाटर, और मैंने ये लहसुन की मैंने कितनी कलियाँ ली ये तो मुझे गिनना भी पॉसिबल नहीं है, आप तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा लहसुन। बस मैंने बता दिया लहसुन चाहिए, और जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह के लिए। और मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है, ठीक है, सब्जियों की मतलब कटिंग। तो ये मैंने लिया है प्याज, तो इसे मैं काटूंगी, बिल्कुल रफली काटना है आपको, आप चाहे तो स्लाइस में काट लें, चाहे तो क्यूब में काट लें आपकी।
यहाँ पे ये मेरे मशरूम गरम होके भी ठंडे हो गए, मतलब बॉईल हो चुके हैं ये। मैं गैस पे रखूंगी अपना पैन, थोड़ा सा एकदम ऑयल, ऑयल गरम हो चुका है तो अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, हरी मिर्च डालने का डाल दूंगी, लहसुन अभी हमको पता है इनको कब तक पकाना है, हमको इनको गोल्डन ब्राउन तक कर लेना है, और इसका जो कच्चापन है लहसुन का प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, उसके बाद हमको इसको आगे का प्रोसीजर फिर करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए कितने अच्छे से हमारे प्याज का जो कच्चापन था वो तो पूरा मतलब खत्म हो चुका है। प्याज की फ्लेम मीडियम ही रखी थी, ऐड कर देना है जो हमने टमाटर काट के रखे थे। और हमारा दूसरा काम ये है कि हमको टमाटर को अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है, जल जाए तो बीज भी जलाते रहिएगा, बीज लगा देते जब तक वहाँ पर टमाटर गल रहे हैं गैस पर, तब तक हम अपने मशरूम काट लेते हैं। और हाँ, बॉइल करने के बाद मशरूम का कलर ऐसे ही होता है, तो इसको भी मैं, मुझे मशरूम कट करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको जैसे आप उसको चक्कू चलाओ ना बड़ा अच्छे से कटता है। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैंने मैंने यहाँ पर हल्दी और मिर्च दोनों ऐड कर चुकी थी, मतलब कि बट जब मैं एडिटिंग करने बैठी मुझे वो क्लिप नहीं मिली, इसीलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि मैंने इसमें जो मसालेदानी के अंदर जो स्पून होता है उसी के 2 चम्मच हल्दी डाली थी, और उसी चम्मच के मेजरमेंट्स का मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। पकाया था तो ये अच्छे से सेमी कुक हो चुका है, तो हमको क्या करना है अपने जार में ग्राइंडर में इसमें हम डाल देंगे और इन सबको पीस देंगे। तो मसाला वसाला लगा हुआ है ना तो इसको फेंकना नहीं है, इसको इसमें सादा पानी डालने से अच्छा तो यही है कि आप ये मसाला वाला पानी ऐड कर दीजिए, पका मसाला है वो पूरा, हम इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट। तो मिश्रण तैयार करने में ऐसा मसाला हमारा तैयार हो चुका है, देखिए सेम ऐसा ही मसाला तैयार करना है। हमने कर लिए फ्लेम को ऑन, और यहाँ पर गाइस मुझे सब्जी है उसको मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सरसों के तेल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, और इसको तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि अगर अपने थोड़ा से भी मतलब सरसों का तेल कच्चा रहा ना तो खाने में कच्चेपन का टेस्ट आता है जो बहुत ही बुरा सा लगता है। तो देखिए अभी आप ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए जो हल्का हल्का धुआं सा आ रहा है ना, तो मतलब ये परफेक्ट है। पानी डाल के अच्छे से घुमा लिया जार में, अब वो ऐड कर लूँ मैं। और पता है आपको यहाँ पे ना लहसुन प्याज और जो भी मैंने लिया था टमाटर, तो उसको मैंने पहले फ्राई मतलब अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो अभी मुझे बहुत अच्छे से इसमें महक आ रही है मसालों की। ये लीड लगा देंगे कढ़ाई में, उसको अच्छे से पका
पकने देंगे मसाले को। करेंगे नमक, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। हमने डाली है अपनी पनीर, क्योंकि पनीर हमारी बिल्कुल भी कुक नहीं थी। मशरूम तो हम फिर भी कुक कर चुके हैं, हमने बॉईल किया था, तो मशरूम एक ही बॉईल में बन जाता है। इससे पहले पनीर डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो, अगर आपको थोड़ा पानी पानी मतलब जैसे होता है ना ग्रेवी चाहिए थोड़ी सी, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा ऐसे ही चाहिए सूखी सूखी, क्योंकि मुझे राइस के साथ खाना है, तो मैंने दाल बना रखी है, तो मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। पनीर को थोड़ा कुक करते हैं, उसके बाद इसमें मशरूम ऐड करते हैं। तो गाइस पनीर भी हमारी हो चुकी है, मसाले में कटे पूरी देंगे। और पकाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा कुक हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे ये देखिए सब्जी मेरी डन हो चुकी है। ये देखिए मसालेदार मशरूम पनीर, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। सो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, सिंपल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है। और आपने देखा है कि मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला, कोई सब्जी मसाला नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल हल्दी मिर्चा और नमक ही मैंने ऐड किया है। और देखिए फिर भी कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है, बिल्कुल मसालेदार, बहुत टेस्टी। तो सिंपल मसाले हैं, बिल्कुल नॉर्मली जो हल्दी मिर्च नमक होता है वही ऐड किया है बस। लंच पूरा रेडी हो चुका है, और अभी थोड़ी देर के बाद मैं लगाऊंगी लंच, क्योंकि अभी अभी कुक लंच बना है, तो थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी। थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ बैठ के, उसके बाद फिर लगाती हूँ लंच। ओके हेलो गाइस, और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर का रिलैक्स लिया, उसके बाद आकर बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए लंच लगा लिया। और ये बच्चों की बस सिंपल प्लेट है, कर्ड है, सैलड है और दाल चावल। और कर्ड में मैंने जैसे बच्चों को हमेशा ही शुगर ऐड करती हूँ। हाँ, बच्चों को मैंने सब्जी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता है वो सब्जी नहीं लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी जो मैंने रेडी की है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल मसाले से, जो हर कोई मतलब नॉर्मली यूज़ करता है वही मसाले यूज़ किए हैं। एक्स्ट्रा में कोई मसाले नहीं लिए मैंने, जैसे कि पनीर मसाला या गरम मसाला, कोई सब्जी मसाला कुछ भी नहीं, बस सिंपल हल्दी मिर्च है, वो भी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च है, इसमें बनाया है। और ये है मेरा सैलेड, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें लेमन थोड़ा जूस ऐड कर दूँ, क्योंकि थोड़े से वो हो जाते हैं ना खट्टे खट्टे, तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर ऐसे करके सिंपल दाल है और राइस है बस। और गाइस सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और मशरूम तो आप जानते हैं कितना टेस्टी होता है, पनीर कितना हेल्दी होता है। तो बस अब एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और बस थोड़ी देर आराम किया लंच के बाद, उसके बाद फिर अभी सोकर उठे हैं, थोड़ी देर पहले सोकर, दैट मीन्स कि थोड़ा सा रेस्ट किया, और बस फिर आपके सामने। और उसके बाद हाँ, मैं आपको बता दूं कि सब्जी जो मैंने बनाई थी पनीर और मशरूम की, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत लाजवाब बनी थी। और जैसे कि आपने देखा, मैंने उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, बस हल्दी और लाल मिर्च डाली है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, फिर भी अच्छी बन गई ना, तो बहुत टेस्टी बनी थी। ट्राई करना कभी ज़रूर, मशरूम विथ पनीर बहुत टेस्टी बनी थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आजकल मतलब कल और आज दो दिन से मैं अपने व्लॉग में हर एक चीज़ मेंशन कर रही हूँ,
कुकिंग के टाइम पे मैं क्या चीज कितना ले रही हूँ, कितना ऐड कर रही हूँ, मसाले की बात कर रही हूँ, किस चम्मच से मतलब कितना ले रही हूँ, मसाले वाले चम्मच, मसालेदानी की चम्मच से मैं ये चीज़ इतनी ले रही हूँ, ये चीज़ इतनी ले रही हूँ, तो मैं इतना डिटेल में आपको पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर हैं और वो मेरे व्लॉग बहुत ही मतलब पसंद करते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो मेरी कुकिंग बहुत पसंद करते हैं, तो उन्हें मेरी कुकिंग बहुत पसंद आती है, तो वो ज़रूर देखते हैं, कुकिंग के लिए भी मेरा व्लॉग ज़रूर देखते हैं। तो दोनों ने मैसेज किया है मुझे पर्सनल में, और बट दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, और दोनों ने मुझे यही बातें बोली हैं, अलग अलग लोगों ने एक ही बात बोली है, मेरे मतलब ये है कि मैं अपनी कुकिंग के टाइम में जैसे कोई सब्जी मैंने बना रही हूँ, ठीक है, उसमें मैं कितना मसाला ऐड कर रही हूँ, हल्दी कितना डाल रही हूँ, और कोई भी मसाला अगर मैं ले रही हूँ तो मैं कितना क्या डाल रही हूँ, ये चीज़ मैं मेंशन जरूर करूँ स्पेशली, और क्वांटिटी मतलब मैं मेंशन करूँ मैं किस चीज़ को कितना डाल रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप जानते हैं कि मेरा कुकिंग चैनल तो बिल्कुल नहीं है, बट मुझे आपके साथ अपनी कुकिंग शेयर करना जैसे आपको पता है बहुत अच्छा लगता है, तो और ये मेरा डेली रियल लाइफ ब्लॉग है, सो बट जिन लोगों ने मुझे ये बोला है, और मे बी शायद वो अभी भी मेरा ब्लॉग देख रहे हों, तो सो थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ क्लियर कर ली मुझे पर्सनल में की, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी इस तरह से कुकिंग, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं यही आप लोग से और भी जो मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरी कुकिंग पसंद करते हैं और मेरे व्लॉग को देखना पसंद करते हैं, तो अगर आपके भी मन में कोई ऐसा डाउट होता है या कुछ क्लियर करना आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए या ज़रूर बताया करिए अपनी राय, और मुझसे जुड़ी आप और क्या चीज़ देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, कुछ भी मेरी कुकिंग या मेरी लाइफ स्टाइल या मेरी ब्यूटी टिप्स या DIY जो भी आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। तो ये तो हो गई बातें बहुत ज़्यादा, और वैसे भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग हो गया है, तो अभी मैं ब्लॉग को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, तो अभी टाइम जैसे मैंने आपको बताया बज रहे हैं 5:00 और हो गया है समय हमारी शाम की चाय का, तो बस अब जाती हूँ चाय बनाती हूँ, बट उससे पहले अपना ब्लॉग एंड कर लूँ, उसके बाद फिर लू अब एंजॉय करूँगी अपनी टी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया है, तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारे लाइक करना, और गाइस एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए, और लाइक करने में तो वैसे भी आपके लाइक देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर अब ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से प्यारे से व्लॉग में, मेरे व्लॉग का वेट करना और हंसते रहना मुस्कुराते रहना, और अगर आप कर सके किसी की मदद तो ज़रूर करना। बाय बाय।